आज बिल्कुल देखिए, जो फैमिलीज़ हैं उनके डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं और उनको अब ये भरोसा जताया जा रहा है कि उनको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। और इसी कड़ी में 6 अधिकारी जो है उनको सस्पेंड किया गया है, जिसमें साउथ प्लानर के जो इंजीनियर है वो शामिल है, नगर निगम के लोग शामिल है, राजकोट पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं वो शामिल है। और तस्वीरें भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि लगातार जो पुलिस है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। FSL की टीम भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, NDRF की टीम आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, जो कि हर एक जगह को, स्पॉट को बारीकी से जो है वो तलाश रहे हैं। और अभी भी आप देखेंगे कि JCB मशीन जो है वो प्रॉपर यहाँ पर 2 लगाई गई हैं, जो जहाँ पर भी NDRF को कुछ ऐसा सस्पिशियस लगता है तो वहाँ पर वो खुदाई करना उसके बाद वो शुरू कर देते हैं। कल भी हमने देखा कि जिस तरीके से मलबा है उसको हटा कर अंदर से इक्विपमेंट्स के जरिए जो है वो जाँचने की कोशिश की, कहीं किसी तरीके से कोई क्लू, कोई लीड इस तरीके से मिले। और लगातार सुबह हम आपको जो CCTV कैमरा की फुटेज भी दिखा रहे थे, वो दरअसल पीछे आप इमारतें देख रहे हैं जो कि इसी कैंपस में बनी हुई है, ग्राउंड फ्लोर की, वहीं पर ही जो वेल्डिंग का काम है वो साफ तौर पर किया जा रहा था। और उसके बाद आग एक एक पकड़ना शुरू होती है, और उसके बाद की तस्वीर आप देखेंगे तकरीबन 500 मीटर से भी ज्यादा का ये पूरा प्लॉट होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और तमाम लापरवाहियों पर भी अब नजर रखी जा रही है और जांच आगे जारी है, आगे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल वैभव करूर करते हैं। बिल्कुल अनामिका, आगे बढ़ेंगे और अगली अहम खबर मध्य प्रदेश के सागर से आ रही है, जहां पर एक गाड़ी ने एक सफाई कर्मी को टक्कर मारी है और ये पूरी घटना वहां पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। एक मिनट की रिपोर्ट के जरिए ये पूरी तस्वीर और खबर आपको बताते हैं, दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के सागर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, वहाँ एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सफाई कर्मी को टक्कर मार दी। इस घटना का जो CCTV वीडियो सामने आया उसमें सफाई कर्मी सड़क किनारे जाता दिखाई दिया, कुछ दूरी तक चलने के बाद सफाई कर्मी झाड़ू लगाने लगा, तभी पीछे से आ रही गाड़ी ने सफाई कर्मी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद सफाई कर्मी गिर गया, जिसकी वजह से गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई। इस घटना से वहाँ अफरा तफरी मच गई, आसपास मौजूद कई सफाई कर्मी पहुँच गए, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में थाना प्रभारी मौजूद थे जो पार्टी करके लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। सागर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने एक्शन लेते हुए दोनों थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे योगी मॉडल पर मोदी की मोहर की। जी हाँ, माफिया के खिलाफ योगी सरकार का जो मॉडल है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहर लगा दी है और ये साफ तौर पर कह दिया है कि योगी सरकार ने बड़े बड़े बदमाशों की गर्मी को शांत कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी ने की योगी मॉडल की तारीफ। मोदी ने कहा यूपी में बदल गया मौसम का मिजाज, मौसम भी बदल गया, योगी ने कर दी बदमाशों की गर्मी शांत। हमारे योगी जी तो अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुले मंच से तारीफ की है। मोदी ने यूपी में बदमाशों की गर्मी शांत होने की चर्चा छेड़ दी है। पीएम ने अपनी चुनावी रैली में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार के कड़े एक्शन की सराहना की। मोदी ने कहा कि पहले यूपी के बदमाशों को बड़ी गर्मी लगती थी, लेकिन योगी सरकार आने के बाद यूपी में मौसम बदल गया। योगी सरकार ने बड़े बड़े अपराधियों की गर्मी शांत कर दी है। मां बाप मजबूर होकर बेटियों का स्कूल कॉलेज छुड़वा देते थे, व्यापारी इसी खौफ में जीते थे अब कौन गुंडा फिरौती मांग ले, कब किसका प्लॉट कब्जा हो जाए, कब किसका खेत चला जाए। सरकार की जमीन तक पर माफियाओं ने महल खड़े कर दिए थे, लेकिन जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो
अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है।